Hello friends, I am Dr. Vikas Roman. Today we are back with a new video that after hair transplant, how to care? After hair transplant के बाद आपको क्या करना है, किस टाइप की medicines खाना है, कितने दिन तक आपको care करना है, ठीक है? So we'll start from the medicine. After transplant, जब transplant के immediately बाद से आपको क्या करना है, आपको जो medicines लेना है, उसमें सबसे पहले आती है आपके antibiotics, ठीक है? Antibiotic में क्या होगा? आपको हम 5 डेज का कोर्स देते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है? उसमें आप एंटीबायोटिक जो है, यहाँ तो हम मेगासिवी करके जो मेगासिवी 625 है वो देते हैं पेशेंट्स को, जिसका कॉम्बिनेशन होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसप्लांट करने के बाद, सर्जरी होने के बाद पेशेंट्स को 5 डेज के लिए एंटीबायोटिक लेना है, जो मॉर्निंग में 1 और नाइट में 1 आफ्टर फूड लेना है, ठीक है? तो ये जो एंटीबायोटिक का जो कोर्स है 5 डेज का होता है, ताकि जो जहां से हमने हेयर निकाले हैं, जो डोनर एरिया से जो हमने हेयर निकाले हैं, ठीक है, और जहां इम्प्लांटेड एरिया में जो इम्प्लांट किया है, तो वो जो एरिया है वो हील हो जाए, किसी प्रकार का उसे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक। सेकेंड मेडिसिन है हमारा पेन किलर, ठीक है, इसका नाम है जीरोडॉल एसपी, है ना? तो पेन क्लियर क्या करते हैं, जनरली जब सर्जरी के बाद जब एनेस्थीसिया का जो वर्क है, जो एनेस्थीसिया की जो टाइमिंग है खत्म हो जाता है, तो पेशेंट को थोड़ा पेन होता है, ठीक है, सर्जरी के दिन ही होता है थोड़ा पेन उसे, ठीक है, तो उस टाइम पे हम पेशेंट्स को पेन क्लियर खाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो जनरली पेशेंट एक पेन क्लियर खाता है, उसके बाद उसका जो पेन है वो धीरे धीरे रिड्यूस जाता है। उसके बाद जनरली नेक्स्ट डे अगर पेशेंट को पेन है तो ही पेशेंट को पेन क्लियर लेना है, अदरवाइज पेन क्लियर इज नॉट अ मैंडेटरी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ओके? इफ पेशेंट इज हैविंग पेन देन ओनली हीज टू टेक। जनरली पेशेंट को सर्जरी के दिन ही पेन होता है स्लाइट, ठीक है, वो मेडिसिन देने के बाद उसे कम हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट डे से पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता। जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं अभी तक, जितने हमने सर्जरी की और जो पेशेंट्स हमने रिव्यू किया, अकॉर्डिंग टू दैट जनरली पेशेंट्स को नेक्स्ट डे इतना पेन नहीं होता, उसे पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्जरी के दिन में थोड़ा सा एनेस्थीसिया का जब टाइमिंग खत्म हो जाता है, एनेस्थीसिया का जो वर्क खत्म हो जाता है, उसके बाद थोड़ा पेन होता है, तो पेन किलर इस उसमें थोड़े से दी जाती है, ठीक है। तो ये हमें सेकेंड मेडिसिन जो है वो पेन किलर। थर्ड हो गया हमारा, थर्ड मेडिसिन हमारी एसिडिटी के लिए कॉल्ड एज पेन बी और पेंटाप्रोजोल, ओके? सो दिस मेडिसिन पेशेंट हैज टू टेक फॉर 5 डेज बिफोर आफ्टर फूड, मॉर्निंग बिफोर फूड एंड नाइट बिफोर फूड, ओके? एम्प्टी स्टमक पेशेंट हैज टू टेक, बिकॉज पेशेंट जब एंटीबायोटिक खाता है 5 डेज के लिए, जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं 5 डेज के लिए एंटीबायोटिक खाता है, तो उससे क्या होता है, पेशेंट को समटाइम्स एसिडिटी प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई पेशेंट हैज टू टेक दिस एसिडिटी टेबलेट, ओके? ये तो हो गया मेडिसिन की बात। देन हमें जो इम्प्लांटेड एरिया, जहां हम इम्प्लांट करते हैं, उस एरिया में भी क्या करना है, इम्प्लांटेड एरिया में क्या है ना, 10 डेज तक आपको पानी नहीं डालना है, मतलब आपको हेड बाथ नहीं लेना है, ठीक। अगर पानी डालेंगे तो जो हमारे पीछे का एरिया है वो वेट हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस, इसलिए 10 डेज तक आपको पानी नहीं डालना है। तो जो इम्प्लांटेड एरिया है उसमें क्या करना है, इम्प्लांटेड एरिया में हमें सलाइन, जो सलाइन होता है, जो नॉर्मल सलाइन जिसे कहा जाता है, उसका स्प्रे करना है, ठीक है। तो आप एक स्प्रे बॉटल ले सकते हैं खाली वाली, उसमें आप ये सलाइन डाल के आपको क्या इम्प्लांटेड एरिया में डेली 4 to 5 टाइम्स आपको स्प्रे करना है, इम्प्लांटेड एरिया को थोड़ा वेट रखना है, मॉइस्ट रखना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा मॉइस्ट रखने से क्या होगा, आपको इचिंग, क्योंकि 10 डेज तक जब आप हेड बाथ नहीं लेंगे तो आपको थोड़ा इचिंग होगा इम्प्लांटेड एरिया में, तो उस इचिंग को कम करने के लिए और थोड़ा उस एरिया को थोड़ा इचिंग से रिड्यूस करने के लिए आप सलाइन पे स्प्रे कर सकते हैं डेली 3 to 4 टाइम्स, अकॉर्डिंग टू योर टाइम कन्वीनियंस, यू कैन टेक एनी टाइम, यू कैन स्प्रे, ओके? इम्प्लांटेड एरिया में आपको सलाइन पे स्प्रे करना है डेली 3 to 4 टाइम्स, कंटिन्यू 10 डेज तक, ठीक है, 10 डेज तक, जब तक आप हेड बाथ नहीं लेते तब तक, मतलब 10 डेज तक कंटिन्यू आपको इम्प्लांटेड एरिया में सलाइन का स्प्रे करना है डेली 4 to 5 टाइम्स और 3 to 4 टाइम्स, अकॉर्डिंग टू योर टाइम कन्वीनियंस, ठीक है। उसके बाद आती है बैंडेज, तो पीछे का जो डोनर एरिया है, जो पीछे का डोनर एरिया जहाँ से हमने हेयर निकाला है, ठीक है, जहाँ से हमने ग्राफ्ट निकाले है, वहाँ आपको क्या करना है, तो जनरली सर्जरी के दिन तो हम क्या करते हैं, सर्जरी के दिन हम बैंडेज करके देते हैं पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट डे से पेशेंट को क्या करना है, ये जो है बीटाडीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, जिससे पेशेंट को डोनर एरिया को क्लीन करना है, थोड़ा सा गौज, जो गौज होता है स्टेराइल गौज, उसे लेना है, ठीक है, थोड़ा लिक्विड बीटाडीन लेना है और उसके पीछे थोड़ा क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ऑइंटमेंट उसे लगा दीजिए, हमारे पास टी बैग करके ऑइंटमेंट है, ठीक है, जो हील करती है हमारे, जो जहाँ से हमने डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकाले हैं, ठीक है, उस एरिया को हीलिंग हील करने के लिए हमने जो ऑइंटमेंट है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले आपको क्लीन करना है बीटाडीन से, लिक्विड से, फिर ऑइंटमेंट लगाना है, उसके बाद जो गौज है, स्टेराइल गौज, उसे कवर करके टेप लगा के आपको बैंडेज करना है, राइट।
तो ये बैंडेज कब कब करना है आपको, तो सर्जरी के नेक्स्ट डे आपको करना है, ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटली आप 2 to 3 times बैंडेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो डोनर एरिया है वो हील हो जाए, तो 4 to 5 days में आपका डोनर एरिया हील होने लगेगा, ठीक है, तो आपको बैंडेज 2 to 3 times करना है अल्टरनेटली लाइक फॉर 5 days, ठीक है, तो आपका जो डोनर एरिया है वो धीरे धीरे हील होने लगेगा, तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज एंटीसेप्टिक लिक्विड आयोडीन, ओके, तो ये हो गया आपका मेडिसिन पार्ट। उसके 10 days के बाद, ठीक है, ये तो आपको 5 to 6 days के यूज करना है, ठीक है, सलाइन जो इसे इम्प्लांटेड एरिया में 10 days के यूज करना है, जो मेडिसिन जो आपको दी गई है वो 5 days के यूज करना है, ताकि आपका जो इम्प्लांटेड एरिया और जो डोनर एरिया वो हील हो जाए, ठीक है, आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, तो आपका 10 days के बाद फिर क्या करना है, आपका 10 days के बाद यू कैन स्टार्ट टेकिंग हेड बाथ। तो हेड बाथ कैसे लेना है, आपको पानी डालना है सर के ऊपर, उसके बाद फिर शैम्पू का, ये जो जॉनसन बेबी शैम्पू है, ठीक है, आफ्टर 10 days के बाद क्या करना है आपको, जॉनसन बेबी शैम्पू जो होता है उसको यूज करना है, ठीक है, उसे थोड़ा सा हाथ में लेके आप इम्प्लांटेड एरिया पूरे हेड से अप्लाई करिए, ठीक है, उसके बाद फिर आप वॉश कर सकते हैं, तो जो आपके जो क्लॉट्स है, जो इम्प्लांटेड एरिया में क्लॉट है वो इजिली रिमूव हो जाएंगे, तो जो जॉनसन बेबी शैम्पू है वो आपको लाइक वीकली 2 times यूज करना है सर्जरी के 10 days के बाद जब आप हेड बाथ लेंगे, ठीक है, तो 10 days के बाद जब आप हेड बाथ स्टार्ट करेंगे तो जॉनसन बेबी शैम्पू से आपको हेड बाथ यूज करना है। Why we are using Johnson baby shampoo? Generally they not इसका जो ये है केमिकली फ्री होता है, इसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते, ठीक है, जॉनसन बेबी शैम्पू में, तो इसलिए जनरली वी यूज कुछ समय के लिए जो है जॉनसन बेबी शैम्पू को यूज करना है, ठीक है, तो आपका 10 days के बाद आप जॉनसन बेबी शैम्पू को यूज करते हैं, आप हेड बाथ ले सकते हैं, राइट, तो ये हो गया आपका केयर आफ्टर 10 days की, कैसे करना है, क्या मेडिसिन लेना है, कैसे प्रिकॉशंस है, ठीक है, और जब आप सर्जरी कराने के बाद भी क्या होता है, जब मेडिसिन वगैरह लेते हो उस टाइम पे आपको बाहर जाना है, ठीक है, तो आप कवर कर सकते हैं अपने हेड को, ठीक है, क्योंकि जनरली पेशेंट पूछते हैं हम कब से काम पे जा सकते हैं, कब से जॉब पे जा सकते हैं, है ना, और कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, हम कैसे कवर करेंगे अपने एरिया को, इम्प्लांटेड एरिया को 10 days तक, तो जनरली 10 days के बीच में जब भी आपको बाहर जाना है बिफोर टेकिंग हेड बाथ आप कवर कर सकते हैं आपको इम्प्लांटेड एरिया को, कैसे कवर करना है, कर्चीफ वगैरह लगा सकते हैं, या है ना कैप अगर पहनेंगे तो थोड़ा लूज कैप पहने ज्यादा टाइट नहीं, ताकि इम्प्लांटेड एरिया डिस्टर्ब ना हो, राइट, तो आप कवर करके जा सकते हैं, कवर करना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आप बाहर जाते हैं और डस्ट वगैरह अगर इम्प्लांटेड एरिया और डोनर एरिया में लगेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है, दैट्स व्हाई यू हैव टू कवर द 10 days इम्प्लांटेड एरिया फुल हेड, राइट, व्हाइल गोइंग आउटसाइड, इफ यू आर इन होम, अगर आप घर पे है तो आप ओपन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, हमारे किस टाइप की मेडिसिन लेना है आपको, क्या 10 days का प्रिकॉशन है, कैसे आपको बाहर जाना है, कवर करके जाना है नहीं जाना है, ठीक है, और कैसे हेड बाथ लेना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताना चाहता था, और आपको और भी कोई इस रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कमेंट्स है आपकी कुछ भी, तो आप हमारे सौरभ जी के जो हेयर केयर बांग्ला चैनल उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको उसमें सारे आंसर्स आपको देंगे, ओके, थैंक यू सो मच। Thanks for watching my this video. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all notification automatically. Thank you.